राष्ट्रीय कन्व्हेनर आपल्या जिल्ह्याचे राष्ट्रीय समन्वयक आदरणीय राजेंद्र राज साहेब, कल्याण दळे साहेब, पीसी विभागाचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय माझे मित्र आनंद लोखंडे, मी सर्वांत राजेंद्र राज आणि राज परिवाराच्या वतीने या ठिकाणी सर्वांचे मनापासून स्वागत करतो आणि राजेंद्र राज यांना विनंती करतो की त्यांनी आपले राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे ना तो उद्दिष्ट पाहिजे दाखल करावून राहुल गांधी जी ने एक मोमेंटम बना दिया है। उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें धर्म और जाति की दीवार तोड़ दी है, नफरत की दीवार तोड़ दी है। उसमें बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, वो आ रही हैं। और वो किसकी बात कर रहे हैं? महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मीडिया के बारे में कह रहे हैं कि आप सही बात क्यों नहीं दिखाते हैं। राहुल गांधी की जो इमेज जो बीजेपी के लोगों ने बना रखी थी, कुछ चंद मीडिया के लोगों के द्वारा और कुछ उनके अपने प्रचार और सोशल मीडिया के द्वारा, आज लोग उनसे जब मिलते हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं वो लोग भी आगे भागकर उनसे मिल रहे हैं। कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है और हजारों लाखों की तादाद में लोग चारों तरफ, छोटे छोटे बच्चे आके फोटो खिंचवाते हैं। महिलाएं जब उनसे मिलती हैं कई तो रोने लग जाती हैं कि भाई हमारा, कि जिस व्यक्ति के बारे में जो ये प्रचार कर रहे थे आज वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आज जो है शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं, आज महंगाई की बात करते हैं, आज दूध दही और आपके गैस का सिलेंडर का क्या भाव हो गया है, पेट्रोल का भाव क्या हो गया है, वो तमाम बातें करते हैं जो आम आदमी को छू रही है। इसलिए जो भारत जोड़ो यात्रा जोड़ने की बात करती है और भाजपा तोड़ने की बात करती है। एक महा सच्चा आदमी है, सत्य की बात करता है, एक आदमी जो है अपने मन की बात करता है, वो लोगों की मन की बात सुन रहे हैं, एक अंतर है। एक आदमी बहुत झूठ बोलता है, एक बहुत सत्य बोलता है, ये अंतर है। एक दूसरा सवाल, जो रोहिणी कमीशन जो कुछ जोर शोर से उठाए, सुप्रीम कोर्ट का एक अभी जजमेंट आया ईडब्ल्यूएस के बारे में, कुछ ओबीसी नेताओं का कहना है कि ये हमारी घटना का उल्लंघन करता है और उसको जो तो फुल बेंच में उसको ले जाना चाहिए। देखो कॉन्स्टिट्यूशनली तो कहीं ये लिखा नहीं हुआ ईडब्ल्यूएस के बारे में, लेकिन मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ उसमें से जो हमारे ओबीसी और एससी और एसटी के लोगों को क्यों वंचित किया गया? क्या उनमें गरीब लोग नहीं है? क्या उनमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन नहीं है क्या? तो परसेंटेज जो है, देखिए देश में 50% ओबीसी है, 15% जो है आपके एससी है, ट्राइबल्स जो हैं अगर कहीं ज़्यादा हैं के काम करके, अगर उनको भी हम अगर 5-7% ट्राइबल लगा देते हैं तो 70% में जो है आपका जो है हमारे ओबीसी एसटी और माइनॉरिटी को लोग लगा दें तो 75%, तो 25% लोगों को आप 10% आपने ईडब्ल्यूएस का दे दिया है और 30% और वो ले रहे हैं। तो आरक्षण का जो सीमा है ओबीसी की बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें हमारा 50% के हमें 27 मिल रहा है का प्रावधान है, लेकिन वो 27 पूरा भी नहीं मिल रहा। 14% आपका इसमें आपके छत्तीसगढ़ में जहाँ हमारी सरकार है, अभी 27% हमने झारखंड में करवाया है वहाँ कह के, और 21% राजस्थान में है, और आपके यहाँ इधर भी हमारा पूरा 27% कहाँ मिल रहा है, यहाँ भी 14% है। तो हमारा जो आरक्षण है वो बढ़ना चाहिए, 27 से भी आगे जाना चाहिए, मेरा ये कहना है। अभी
कल एक दिन हमने बिताया सर यात्रा वहाँ से। मैं तो कल परसों शाम को चलता हूँ, सुबह नहीं चलता। बहुत आनंद हुआ परसों। नहीं, सब जो है सब धर्म और जाति को लोग छोड़ के सब है सर। इवन जो डिसेबल्ड लोग हैं बिल्कुल चल रहे। वो एक एमपी से आए थे, उनसे बात की खुद एमपी से आया, डिसेबल्ड चल रहे। इसका मोमेंटम को बनाए रखें। हाँ, मोमेंटम बनाए, क्योंकि इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। अगर संगठन स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं, सिंपल ही आएगी। राहुल जी क्या कर रहे हैं उसमें तो नीचे वाले। अभी ओबीसी की जनगणना होने के बारे में आपके पार्टी का क्या एजेंडा है ना? हमारे आप शुरू में आप लेट आए हैं, हमने शुरू में नेक्स्ट एजेंडा क्या है? अब हम चाहते हैं कि एक तो 2011 का जो जनगणना है उसको उजागर किया जाए और फ्रेश जनगणना की जाए, कास्ट सेंसस की जाए, ताकि शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कौन किसकी जनसंख्या है, जिसकी जितना संख्या उतना है उसको अधिकार, ये फॉर्मूला होना चाहिए। बहुत सारी जातियाँ उठ रही हैं, ओबीसी में से आरक्षण दिया जाए अलग अलग रियासतों से और उसको कोटा लेके जो तो अभी फिलहाल जो तो ओपन पे है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हमको ओबीसी में शामिल किया जाए और हमको आरक्षण दिया जाए। ये काम तो उसका होता है, कमीशन का होता है, कमीशन का काम, हमारा काम नहीं। धन्यवाद। राहुल गांधी जी ने एक मोमेंटम बना दिया है, उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें धर्म और जाति की दीवार तोड़ दी है, नफरत की दीवार तोड़ दी है। उसमें बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, वो आ रही हैं। और वो किसकी बात कर रहे हैं? महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मीडिया के बारे में कह रहे हैं कि आप सही बात क्यों नहीं दिखाते हैं। राहुल गांधी की जो इमेज जो बीजेपी के लोगों ने बना रखी थी, कुछ चंद मीडिया के लोगों के द्वारा और कुछ उनके अपने प्रचार और सोशल मीडिया के द्वारा, आज लोग उनसे जब मिलते हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं वो लोग भी आगे भागकर उनसे मिल रहे हैं। कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है और हजारों लाखों की तादाद में लोग चारों तरफ, छोटे छोटे बच्चे आके फोटो खिंचवाते हैं, महिलाएं जब उनसे मिलती हैं कई तो रोने लग जाती हैं कि भाई हमारा, कि जिस व्यक्ति के बारे में जो ये प्रचार कर रहे थे आज वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आज जो है शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं, आज महंगाई की बात करते हैं, आज दूध दही और आपके गैस का सिलेंडर का क्या भाव हो गया है, पेट्रोल का भाव क्या हो गया है, वो तमाम बातें करते हैं जो आम आदमी को छू रही है। इसलिए जो भारत जोड़ो यात्रा जोड़ने की बात करती है और भाजपा तोड़ने की बात करती है, एक महा सच्चा आदमी है, सत्य की बात करता है, एक आदमी जो है अपने मन की बात करता है, वो लोगों की मन की बात सुन रहे हैं, एक अंतर है। एक आदमी बहुत झूठ बोलता है, एक बहुत सत्य बोलता है, ये अंतर है। एक दूसरा सवाल जो रोहिणी कमीशन जो सर, अभी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा अभी चल रही है, तो आने वाले जो लोकसभा के इलेक्शन है 24 की, उसमें कोई इसका फर्क पड़ेगा? देखिए ऐसा है, राहुल गांधी जी ने मोमेंटम बना दिया है, लोगों को जोड़ दिया है, हर धर्म और जाति की दीवार को तोड़ दिया, नफरत को तोड़ दिया है, सामाजिक संतुलन बनाने की बात करी है। मेरा ये कहना है कि अब हमारे कार्यकर्ताओं का काम है कि वो बूथ लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे इस मोमेंटम को बरकरार रखें। 2024 में हमारी सरकार आएगी अगर कांग्रेस कार्यकर्ता जिस तरह राहुल गांधी जी 24/7 काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से अगर हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे तो निश्चित ही 2024 में परिवर्तन आएगा। भारत जोड़ो के खिलाफ उसका अपोजिशन कर रहे हैं, देखिए रोक दो बोलते हैं यात्रा। ऐसा है कि ये जो यात्रा है इसमें ना कोई नफरत की बात है, ना कोई भाईचारे की बात की जा रही है। भाजपा नफरत की बात करती है, ये यात्रा
लोगों को जोड़ने की बात करती है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। और सरवरकर तो वो व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के सामने जो है माफ़ीनामा मांगा था। उन लोगों की क्या मजाल है कि वो यात्रा को रोक दें। आज लाखों लोग सड़कों पर खड़े हैं, क्या किसी नहर की धारा को कोई रोक सकता है क्या? ये लहर है, इस लहर को कोई तोड़ नहीं सकता। ये यात्रा नहीं है, ये लहर है। और देश का हर वर्ग जाति धर्म को तोड़कर इसके साथ लगा है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और निजीकरण और जिस तरीके से देश को बांटने का काम बीजेपी कर रही है, गैस का सिलेंडर है, दूध है, दही है, महंगाई से त्रस्त हैं लोग, कोई इनका साथ देंगे नहीं।